हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्टेप बाय स्टेप स्टडी। गाइस कैसे हो आप सब? तो गाइस आज की वीडियो है लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी लॉजिकल वेन डायग्राम्स कैसे बनाते हैं और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में हम बेसिक्स कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चंस आगे वाली वीडियोस में मैं लूंगी। तो जो बिल्कुल ही बिगनर बच्चे हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता लॉजिकल वेन डायग्राम्स कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो वो मैं आपको इसमें सिखाऊंगी। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आए आपको और इसको इसमें से आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहला है आपका कि फॉर अगर आपका लॉजिकल वेन डायग्राम कितने टाइप के होते हैं। गाइस जैसे कि टाइप वन है आपका, उसमें लिखा है फॉर डिपिक्टिंग थ्री डिफरेंट ग्रुप्स। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं लॉजिकल वेन डायग्राम्स हैं क्या। आपने देखा होगा कहीं कई जगह पर जैसे पेपर में आता है तो लॉजिकल वेन डायग्राम्स बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इस टाइप से आपको दिया गया होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया आपका डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या ठीक है कुछ इस टाइप के, जैसे भी आपके डायग्राम्स आते हैं उसमें आपको फिर नीचे कंडीशंस दी गई होती हैं, ठीक है। इसमें ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, ऑल दिस आर दिस, ऑल दिस आर दिस। तो ये डायग्राम्स बनते कैसे हैं, तो हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे कि डायग्राम्स क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। फॉर आप पहला टाइप देखिए, फॉर डिपिक्टिंग थ्री डिफरेंट ग्रुप्स। अगर आपको तीन डिफरेंट ग्रुप्स को डिपिक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल एक एडवोकेट, डॉक्टर्स और क्लर्क। अब आपने देख लिया कि ये तीनों जो है प्रोफेशन जो है बिल्कुल ही अलग है। एडवोकेट्स जो है वो डॉक्टर्स नहीं हो सकते, ठीक है। डॉक्टर्स जो है वो क्लर्क नहीं हो सकते। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम बनेगा इस तरीके से। एक ये आपने राउंड लिया, ठीक है, तीन अलग सर्कल्स बनेंगे इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी रिलेशन आपस में नहीं है इन तीनों प्रोफेशन का, उसके लिए बनेंगे तीनों अलग डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ आपका एडवोकेट आएगा, इधर आपका डॉक्टर हो जाएगा और इधर आपका आएगा क्लर्क, क्योंकि इन तीनों में ही, इन तीनों प्रोफेशंस में ही कोई रिलेशन नहीं है। तो इस टाइप का आपका डायग्राम बनेगा अगर आपको ये दिया गया हो, ठीक है। जिन भी अगर आपको कोई भी चीज दी गई हो और उसमें कोई रिलेशन नहीं दिखता आपको, तो डायग्राम बनेगा इस टाइप का, ठीक है। तो अब गाइस सेकेंड टाइप हम देख लेते हैं, टाइप टू, व्हेन वन आइटम बिलोंग्स टू सेकेंड एंड सेकेंड आइटम बिलोंग टू थर्ड। अब ये कैसे पता चलेगा, मतलब कि जब पहला आइटम दूसरे आइटम से बिलोंग करता है, ठीक है, और दूसरा तीसरे से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक ये दे रखा है आवर्स, मिनट्स और सेकेंड, ठीक है। अब जो आवर्स हैं, सबसे पहले आपको बनेगा सेकेंड्स का, मिनट्स में क्या होते हैं सेकेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आएगा ये मिनट्स और मिनट्स के अंदर आपका आ जाएगा सेकेंड्स। ये आ गया सेकेंड्स, ये हो गया आपका मिनट्स, ठीक है। और आवर्स में क्या होते हैं आपके, आवर्स में होते हैं मिनट्स। तो ये पूरा ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आवर्स के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है वन आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, और वन मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इस ऐसे हमने बनाया है कि सेकेंड, ठीक है, फिर मिनट्स और आवर्स। आवर्स में आ गए आपके मिनट्स और मिनट्स में आ गए आपके सेकंड्स, ठीक है। सारे सेकंड्स मिनट्स में आ गए और सारे ही मिनट्स आ गए आपके आवर में। तो इस टाइप का डायग्राम ऐसे बनेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। अब हम जल्दी से नीचे चलते हैं और देखते हैं थर्ड टाइप आपका। थर्ड टाइप का डायग्राम कैसे बनेगा आपका, व्हेन टू डिफरेंट आइटम्स बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप। मतलब ये जब दो डिफरेंट आइटम्स तीसरे ग्रुप से बिलोंग करें, ठीक है। इस कैसे, अब जैसे एक हस्बैंड है, वाइफ है और फैमिली है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ और एक फैमिली। एक जब एक फैमिली बनती है तो उसमें क्या होता है, हस्बैंड होते हैं, वाइफ होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है। तो एक हम बड़ा सर्कल ले लेंगे। अब ये बड़ा सर्कल डिपिक्ट करेगा आपकी फैमिली को, ठीक है, ये डिपिक्ट करेगा आपकी फैमिली को। और उसमें क्या होता है, एक हस्बैंड होगा और एक वाइफ होगी। तो यहाँ हम बना देंगे एक हस्बैंड और एक ये वाइफ, ठीक है। अगर बच्चे होते तो यहाँ बच्चे आ जाते। तो इस तरीके से आपकी फैमिली बनती है। तो इस टाइप के डायग्राम जो थर्ड टाइप का आता है कि जब दो डिफरेंट आइटम्स एक तीसरे ग्रुप में बिलोंग करें, ठीक है, ये दो अलग अलग हैं, मतलब हस्बैंड और वाइफ, और वो तीसरे उससे बिलोंग करते हैं ग्रुप से, मतलब फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके का आपका बनेगा डायग्राम इसमें, ठीक है। हम चलते हैं नीचे और अपना टाइप फोर देख लेते हैं जल्दी से। टाइप फोर है गाइस आपका, व्हेन टू आइटम्स बिलोंग टू थर्ड इन सच अ वे दैट बोथ आर पार्शियली रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब कि जब दो आइटम्स एक थर्ड आइटम से बिलोंग करते हैं इस तरीके से कि वो एक दूसरे से पार्शियली रिलेटेड हो, ठीक है। अब वो कैसे बनेगा इसमें,
यहाँ पर हम ले लेते हैं मदर सिस्टर और फीमेल का एग्जाम्पल हमने लिया है, मदर सिस्टर एंड फीमेल। अब आपने देखा होगा मदर सिस्टर और फीमेल, सबसे पहली चीज तो आपको क्या पता चलता है, आप बना लीजिए फीमेल, क्योंकि दोनों ही माता और सिस्टर, ठीक है, मदर और बहन दोनों ही क्या है, फीमेल है। तो सबसे पहले आप बना लीजिए एक फीमेल का सर्कल, ठीक है, ये सर्कल आपका डिपिक्ट करेगा फीमेल। यहाँ आपने बनाया फीमेल, अब आपने क्या देखा कि मदर फीमेल है, तो सारी की सारी मदर्स जो है वो फीमेल होंगी, है ना, तो ये मदर्स यहाँ आ गया। अब क्या है, सिस्टर, सिस्टर भी सारी की सारी फीमेल्स हैं, तो यहाँ हमने बना दिया, क्या बनाया, सिस्टर, ठीक है। अगर मान लो ये हमने बना दिया सिस्टर, लेकिन अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है, कुछ मदर्स बहन भी तो हो सकती है ना, आपकी मम्मी किसी की बहन भी लगती है, ठीक है, और आपकी सिस्टर जिनकी शादी हो चुकी है वो किसी की माँ भी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये अलग अलग नहीं बनेंगे, ये कैसे बनेंगे आपके, ये बनेगा इस तरीके से कि कुछ मदर्स सिस्टर्स हो सकती हैं, ठीक है, और कुछ सिस्टर्स मदर्स भी हो सकती हैं, और जो मदर्स और सिस्टर्स फीमेल है, तो ये डायग्राम बनेगा आपका इस तरीके से, ठीक है। एक डायग्राम होता है आपका ऐसे। अब हम चलते हैं नीचे टाइप फिफ्थ की ओर। टाइप फिफ्थ में क्या कहते हैं आपका, व्हेन टू डिफरेंट आइटम्स आर पार्शियली रिलेटेड टू थर्ड आइटम, जब दो आइटम्स पार्शियली रिलेट करते हैं थर्ड आइटम से, फॉर एग्जांपल डॉग्स कैट्स एंड पेट्स। अब इसमें कैसे डायग्राम बनेगा आपका, डॉग्स कैट एंड पेट्स, सबसे पहले आप ये देख लीजिए हम क्या लेंगे, या तो डॉग ले लीजिए या कैट ले लीजिए, पर आप सबसे पहले लीजिए पेट्स का, ठीक है। हमने बना दिया एक पेट्स, पेट्स के लिए सर्कल, ये आ गया आपका पेट्स, ठीक है। अब जो डॉग्स हैं, कुछ डॉग्स पेट्स भी हो सकते हैं, पेट्स मतलब पालतू, ठीक है, लेकिन कुछ डॉग्स ये भी हो सकते हैं कि पालतू ना हो, ठीक है। अब कोई भी कुत्ता बिल्ली तो होगा नहीं, तो ऐसा तो बनेगा नहीं डायग्राम की डॉग्स और कैट्स का, क्योंकि कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे डॉग्स का, ठीक है, ये आपका आ गया डॉग्स। अब कुछ डॉग्स पेट्स हो सकते हैं, तो ये डॉग का एरिया इसमें आ गया, ठीक है। अब कुछ कैट्स जो हैं, कुछ कैट्स, कुछ बिल्लियां पालतू भी हो सकती हैं और जंगली भी हो सकती हैं, तो यहाँ हमने बना दिया कैट के लिए, ठीक है। अब जो भी बिल्ली पालतू होगी वो आ गया आपका इसमें, और कुछ बिल्ली जो जंगली हो सकती है वो इस तरीके से आपका बनेगा ये वाला डायग्राम, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा हो, मैं इस पे ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि सिर्फ ये समझाने के लिए है, और मेन तो बाद में जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि वेन डायग्राम्स क्या है और कैसे बनेंगे। अब गाइस टाइप सिक्स है आपका, व्हेन ऑल थ्री आइटम्स आर पार्शियल रिलेटेड टू ईच अदर, जब तीनों ही आइटम्स आप पार्शियल रिलेट करते हो ईच अदर से, मतलब, ठीक है। अब जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, नर्स फीमेल और सोशल वर्कर, सबसे पहले आपको क्या लगता है कि आपको क्या होना चाहिए, यहाँ हम बना लेते हैं फीमेल के लिए, ठीक है। आप सोशल वर्कर के लिए भी बना सकते हो, लेकिन बेटर है कि जो कॉमन आपको चीज लगे उसमें पहली चीज तो वो बनाइए। हमने बना लिया एक फीमेल का सर्कल, ठीक है। अब जो नर्स हैं, क्या वो फीमेल से रिलेट करती हैं, हाँ नर्स फीमेल भी हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, नर्स जरूरी नहीं है फीमेल ही हो, मेल नर्स भी होते हैं। तो हमने बना दिया ये नर्स का फीमेल में कॉलम, ठीक है, ये आ गई आपकी नर्स। कुछ नर्स फीमेल हो सकती हैं, तो हमने यहाँ फीमेल में आपका बना दिया इस तरीके से, हो सकता है कुछ नर्स फीमेल ना हो, तो ये आपका निकल गया बाहर। अब सोशल वर्कर, ठीक है, अब सोशल वर्कर क्या होता है, जो सोशल कामकाज करे, ठीक है। सोशल का बेसिकली मतलब होता है बिना पैसे लिए दूसरों की सेवा करे वो, ठीक है। तो नर्स सोशल वर्कर भी हो सकती है, नर्स फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। एक सोशल वर्कर जो है, ठीक है, नर्स भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ बनाना है नर्स का, ठीक है, सॉरी सोशल वर्कर का, सोशल वर्कर। अब ये सोशल वर्कर नर्स भी हो सकती है, ये सोशल वर्कर फीमेल भी हो सकती है, और जो ये पोर्शन है ये तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, सोशल वर्कर भी है, फीमेल भी है और नर्स भी है। तो ये बनेगा इस तरीके से, जब वो आपस में इंटरलिंक करें पार्शली एक दूसरे से, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे टाइप सेवंथ की, और टाइप सेवन देख लेते हैं क्या आपका कहता है, व्हेन वन आइटम बिलोंग्स टू सेकंड एंड थर्ड पार्शली रिलेटेड टू बोथ आइटम्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, व्हेन वन आइटम्स बिलोंग्स टू सेकंड एंड थर्ड पार्शली रिलेटेड टू बोथ आइटम। अब इसमें हम क्या देखते हैं, फीमेल मदर, फीमेल और डॉक्टर, ठीक है।
आप पहली चीज तो आप बना लीजिए फीमेल, फीमेल है आपका, ठीक है, जो भी मदर है आपकी वो फीमेल तो होगी, ठीक है, तो आपका मदर बनेगा अंदर, सारी ही मदर्स फीमेल होती है ना, तो ये मदर्स फीमेल में आ गया आपका। अब क्या है डॉक्टर, अब डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, डॉक्टर मदर भी हो सक जो है वो डॉक्टर मदर भी हो सकती है, ठीक है, किसी की मदर डॉक्टर होती है तो फीमेल तो है ही वो और डॉक्टर भी है, तो आप इसमें क्या करेंगे कि आप इसमें अब बनाएंगे डॉक्टर का कैसे, अब ये डॉक्टर मेल भी हो सकता है वो निकल गया बाहर, फीमेल भी हो सकती है और मदर भी हो सकती है, तो हमने इस तरीके से बना दिया डॉक्टर का, ठीक है, डॉक्टर मदर और फीमेल, ये आपका इस तरीके से आप हाईलाइट कर दो, ये पोर्शन ये बनेगा इस तरीके से, ठीक है। अब हम करेंगे टाइप एट आपका, अब टाइप एट में क्या है गाइस हम देख लें जल्दी से, व्हेन वन आइटम बिलोंग्स टू सेकंड एंड थर्ड पार्शियल रिलेटेड टू वन आइटम, व्हेन वन आइटम बिलोंग्स टू सेकंड एंड थर्ड पार्शियल रिलेटेड टू ओनली वन आइटम, तो अब ये क्या है आपका फादर मेल और चिल्ड्रन, सबसे पहली चीज तो आप बनाएंगे फादर, ठीक है, हमने बना दिया फादर के लिए एक, अब फादर सारे के सारे फादर जो है वो मेल तो होंगे ही, फीमेल तो होंगे नहीं फादर, है ना, और मेल और फीमेल का मतलब पता ही होगा क्या होता है, ठीक है, तो फादर सारे के सारे मेल होंगे, अब क्या है चिल्ड्रन, ठीक है, अब ये चिल्ड्रन में क्या है आपका, चिल्ड्रन आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, अब जो बच्चे हैं वो बाप तो बन नहीं जाएंगे, तो यहाँ आपका आ गया चिल्ड्रन, वो मेल हो सकते हैं, ठीक है, तो ये आ गया आपका इस तरीके से फादर मेल और चिल्ड्रन, इस तरीके से कुछ आपके बनेंगे आपके वेन डायग्राम, तो अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ और, ठीक है, हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं और फिर करते हैं किस तरीके से बनेंगे इसमें। अब मान लो आपको मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल यहां मैंने आपको कर दिया टमाटो, ठीक है, और एक हो गई आपकी लेडी फिंगर, इसका डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, वेजिटेबल टमाटो और लेडी फिंगर, अब आप क्या देखते हैं ये जो टमाटो है, ठीक है, एंड लेडी फिंगर क्या है भिंडी आपकी, और ये क्या है आपका टमाटर, ठीक है, ये दोनों वेजिटेबल तो है ही, तो आपने क्या करना है सबसे पहले बना दीजिए आप वेजिटेबल के लिए, ठीक है, हमने बना दिया एक वेजिटेबल का सर्कल, ये है आपका पूरा वेजिटेबल का, अब इसमें क्या देखना है आपको, आपने बनाना है एक टमाटो का, सारे ही टमाटो जितने भी टमाटर है वो वेजिटेबल हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ तो बन नहीं जाएंगे, तो यहां आपने कर दिया टमाटो का, अब क्या है आपका लेडी फिंगर, अब लेडी फिंगर टमाटो तो हो नहीं सकती, अलग ही रहेगी, लेकिन सारी लेडी फिंगर जो है वेजिटेबल तो है, ठीक है, तो यह हमने बना दिया लेडी फिंगर का, तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा आपका, ठीक है, मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करती हूँ और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक वीक डे एंड ईयर, एक एग्जाम्पल ले लो वीक्स डेज और ईयर, अब ये कैसे बनेगा आपका, सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो वीक्स में है जो दिन होते हैं वो वीक्स में आते हैं, ठीक है, एक वीक में 7 दिन, ठीक है, और एक ईयर में कितने वीक्स हैं, ठीक है, ईयर में वीक्स, तो वीक्स बन के वीक्स मिला के ईयर बनता है और डेज मिला के वीक बनता है, तो हम इस डायग्राम का कैसे बनाएंगे, सबसे पहली चीज आप ले लो डेज, ठीक है, हमने लिया डेज लिख लिया, ये सारे डेज वीक्स में आ जाएंगे, ठीक है, वीक में दिन होते हैं, तो यहां पर आपका आ गया वीक, और जितने भी वीक हैं वो आ जाएगा आपका ईयर में, एक ईयर में वीक्स होते हैं, ठीक है, तो ये आ गया आपका ईयर, पूरे के पूरे वीक्स ईयर में आ जाएंगे और पूरे के पूरे डेज ये आपके आ जाएंगे वीक्स में, तो ये इस तरीके का डायग्राम आपका बन जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, स्क्वायर टेबल चेयर और फर्नीचर, ये आपका टेबल है, चेयर है, और ये है आपका फर्नीचर,
सबसे पहली चीज तो आप ये देख लीजिए, टेबल और चेयर क्या है। टेबल और चेयर आपका फर्नीचर है, ठीक है। टेबल चेयर में, टेबल चेयर नहीं हो सकती और चेयर टेबल नहीं हो सकती। सब तो आपने क्या करना है, फर्नीचर के लिए एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है। यह बन गया आपका फर्नीचर के लिए सर्कल। अब आपने क्या करना है, सारी की सारी टेबल, फर्नीचर तो होगी तो ये आपका टेबल का आ गया। अब कोई भी टेबल चेयर तो हो नहीं सकती, लेकिन चेयर आपकी फर्नीचर है तो यहाँ आपका बन गया चेयर के लिए, ठीक है। ये चेयर फर्नीचर है, तो इस तरीके से आपका बनेगा ये वाला डायग्राम। अब एक एग्जांपल लेते हैं, वेल फिश और क्रोकोडाइल। वेल फिश एंड क्रोकोडाइल, वेल, ठीक है, फिश एंड क्रोकोडाइल। और ये आपको देख के पता तो चल गया होगा तीनों अलग अलग हैं, ये वेल फिश और क्रोकोडाइल, तो इसमें कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है, तो ये बनेगा इस तरीके से। यहाँ वेल आ गया, फिश, क्रोकोडाइल। वेल फिश नहीं हो सकती, वेल क्रोकोडाइल भी नहीं हो सकती, फिश वेल नहीं हो सकती, फिश क्रोकोडाइल नहीं हो सकती, तब तीनों अलग अलग बनेंगे, हमने ऊपर जो टाइप्स किए थे, ठीक है। तो ये जितने भी डायग्राम है मैंने आपको समझा दिए हैं गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगी कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे आ गया ऑल चेयर्स, ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ठीक है, ऑल टेबल्स आर फैन। तो ये डायग्राम आपका कैसे बनेगा, ये मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ सा वो दे रही हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब ऑल चेयर्स आर टेबल, सारी की सारी चेयर जो है, यहाँ हम लिख दी चेयर, सारी की सारी चेयर जो है टेबल है, ठीक है। ये हमने बना लिया एक टेबल के लिए सर्कल, ये सारी चेयर टेबल में आ गई। ऑल टेबल्स आर फैन, तो ये आ गया आपका ऑल टेबल्स आर फैन, ठीक है। जब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं तो हम दो डायग्राम्स बना लेते हैं, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, ऑल वाले केस में इस तरीके से बनेगा, ऑल चेयर्स आर टेबल और ऑल टेबल्स आर फैंस। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, इसका पूरा का पूरा आपको समझाना है मुझे कॉन्सेप्ट, इसमें किस तरीके से डायग्राम बनेंगे। ये था बस बेसिक आपका वेन डायग्राम का, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा इसका बताऊंगी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कराऊंगी। ओके गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।